जी का। और उसके बाद जो है आपको अपना यूसी ब्राउज़र का फोल्डर ढूंढ के खोलना है। यहाँ पे देख सकते हैं पबजी मोबाइल जो है दूसरे नंबर पे है, उसको मैं ओपन करता हूँ। उस पर क्लिक कीजिएगा आप, क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हर पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद जो है कुछ टाइम लगेगा आपको फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी OBB फाइल और APK में ट्रांसफ़र कर रहा है ये, तो अभी इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। दोस्तों इसमें करीबन मुझे 2 मिनट लगा था, लेकिन ये इस वीडियो को मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है, तो इसलिए काफ़ी कम टाइम लगेगा। दोस्तों एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉम टेंसेंट APK, इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद जो है आपको इसको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल हो रहा है, इसको भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है, अब बात करते हैं OBB फाइल को। तो OBB फाइल को हमें कहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड फोल्डर आपको फर्स्ट में दिख रहा था, उसको ओपन करेंगे तो OBB फाइल आएगा। उसके बाद टेंसेंट, इसको हमें कॉपी करना है, लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी करना था, फिर ऊपर क्लिक करके उसके बाद डिवाइस स्टोरेज में जाके एंड्रॉयड फोल्डर में जाके उसके बाद हमें OBB फोल्डर में जाके इसको पेस्ट करना है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं कि मैंने किस फोल्डर में किया। आपको डिवाइस स्टोरेज में एंड्रॉयड में जा करके उसके बाद OBB फाइल में इसको पेस्ट कर देना है। इसमें भी काफ़ी टाइम लगा था, इसको भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को, तो का ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। इसके बाद मैं आपको चला के भी दिखाऊँगा, गेम प्ले भी दिखाऊँगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो है स्नो मैप आया नहीं है, करीबन आज शाम तक आने की उम्मीद है, देखते हैं कब तक आता है। आते ही मैं इसका गेम प्ले ज़रूर बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा, और स्नो मैप कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगा। ये तो 0.10.0 अपडेट है, इसमें स्नो मैप आने वाला है, शाम तक किसी अपडेट में आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने पेश कर दिया है इसको, अब हम आ जाते हैं बैक और ओपन करते हैं अपना गेम। अब ओपन करते हैं पबजी मोबाइल को, और ओपन होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको भी मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। इसको भी मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ अपडेटिंग में काफ़ी टाइम लगा रहा था, और अपडेट होने के बाद जो है पता नहीं क्या क्या यहाँ पे अपडेट हो रहा था, ऐसा होता नहीं है लेकिन इस अपडेट में ये सब भी हो रहा था। अब आ गया है लॉगिन पेज, तो हम फेसबुक से फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों सब कुछ इंटरफेस जैसा पुराना वाला था 0.9.0 उसी तरीके से है, लेकिन इसमें काफी नए फीचर्स जो है अब मैं इसको जो है ओपन कर लेता हूं। तो यहां पे ओपन करने के बाद ये नया आया, तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस काफ़ी बढ़िया इंटरफेस देखने के लिए लग रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो बैकग्राउंड है वह बदल चुका है, लेकिन अभी तक जो है मैप नहीं आया है इसमें, स्नो मैप अभी तक ऐड नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूँ कि स्नो मैप आएगा शाम तक, और सेटिंग में आपको दिखा दूँ कि क्या और नई चीज़ें आएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज कंट्रोल में एक और लेआउट यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो आप यहां से एक और लेआउट कर सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था बट मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरा स्टार्ट होने लगा था। तो मैं आपको बता दूं अभी स्नो मैप नहीं आया है, स्नो मैप आएगा जैसे ही, मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता दूंगा स्नो मैप आया कहाँ पर है। लेकिन ये 0.10. अपडेट है, इसी में स्नो मैप आएगा आज शाम तक। अभी 2-3 ही मैप यहाँ पे शो कर रहे हैं, स्नो मैप आएगा तो यहीं बगल में साइड में शो होने लगेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें।